जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, स्कूल एजुकेशन के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री बीके सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी और मिशन यूथ के सीईओ श्री शाहिद अकबाल चौधरी जी, ट्राइबल डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी साथी, ट्राइबल समुदाय के सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, सभी सम्मानित हस्तियां ट्राइबल समुदाय की, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, आज़ादी के बाद इस देश में 66 साल तक पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं, लेकिन आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए मैं कहूं तो इन योजनाओं के कारण एक तरक्की का जो जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए था वो नहीं खड़ा हो सका। 1950 में जब एकीकृत विकास की योजना बनाई जा रही थी तब उसमें एक प्रावधान रखा गया कि समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाना है जो सदियों से मुख्य धारा से दूर है। 66 सालों में अनगिनत रिपोर्टें आईं, हजारों करोड़ रुपए आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए दिए गए, लेकिन जब पंचवर्षीय योजनाओं को भंग किया गया तब तक यह मूल्यांकन नहीं किया जा सका कि किन किन सेक्टर्स में आदिवासी समुदाय का कल्याण और विकास हुआ है। 2014 में जब देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी समुदाय के बीच एक नई आकांक्षा पैदा हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई, अनेक कार्यक्रम चलाए गए, मैं उसका विवरण दूंगा, समय लगेगा, लेकिन देश में जो शुरुआत 2014 के बाद हो गई जम्मू को अभी इंतज़ार करना पड़ा, 5 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा और 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के 15 लाख से ज़्यादा आदिवासियों के विकास के सपने और आकांक्षाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का एक बड़ा फैसला किया। आज मुझे जिन प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण शिलान्यास का अवसर मिला है वो आदिवासी गौरव को पुनः जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित करने और पिछले 3 सालों से अनवरत चल रहे प्रयासों की कड़ी है, और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी पूर्वजों का भी सम्मान है, शिक्षा, आदिवासी गांवों का समग्र विकास और उनकी आजीविका सुनिश्चित करना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा है। इस खास अवसर पर मैं भी चंद लाइनें कहना चाहूँगा। सबाबो हुस्न में बहसा पड़ी है, नए पहलू निकलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये गर्व और सौभाग्य की बात है कि भगवान भरोसे 20वीं शताब्दी में छोड़ दिए गए एक बड़े वर्ग को 21वीं शताब्दी की मुख्य धारा में लाने के लिए पिछले 2-2.5 वर्षों से हम सब अनवरत अनेक काम कर रहे हैं। आज लोकार्पित किए गए ज़्यादातर परियोजनाएं आदिवासी समुदाय की युवा शक्ति को समर्पित की गई। मैं इन युवा बच्चियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, किसी शख्सियत का बयान था कि आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मुझे लगा कि यह बयान शायद 15 साल पहले का है, वो सज्जन शायद लेट कर गए, जबकि जम्मू कश्मीर में आदिवासी भाइयों के जिन अधिकारों को 2007 में लागू हो जाना चाहिए था उसे
अभी 1.5 साल पहले हम लोगों ने 2 साल पहले लागू किया है। देश के अन्य हिस्सों में उसी समुदाय के लोगों को 15 साल पहले ये अधिकार मिल गया था। विकास की दौड़ में वे काफ़ी आगे निकल चुके थे। ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप लोगों को 15 साल जल जंगल जमीन पर आपके अधिकार से वंचित रखा गया। 2022 में दबे आवाज में कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आदिवासी समुदाय क्यों पिछड़ गया। मैं कहना चाहता हूं कि वो समय बदल गया है, अब तो आदिवासी समुदाय उत्सव मना रहा है। इसी तरह अनेक इस तरह की बेबुनियाद बातें कही जाती हैं। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों में ईमानदारी पूर्वक एक प्रयास किया गया है कि जो आपका वाजिब हक था, आपकी तरक्की के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को अधिक से अधिक आपको पहुंचाया जा सके। आप कल्पना कीजिए, 1976 में पहला हॉस्टल यहाँ बना था और उसके बाद ऐसा कार्यक्रम और ऐसी नीतियाँ बनाई गईं कि 2 वर्ष में मात्र एक हॉस्टल बनता था। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी प्रकार की सुविधाओं से भेदभाव किया गया। और मुझे गर्व है कि मात्र पिछले 1.5 वर्षों में शाहिद इकबाल चौधरी उनकी टीम ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 26 करोड़ रुपए की लागत से 8 हॉस्टल बनाकर तैयार कर दिए हैं और आज आपके सामने 100 करोड़ रुपए की लागत से 25 नए हॉस्टल बनाने का काम भी शुरू किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि 1.5 वर्ष में ये भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 70 वर्ष में जितने हॉस्टल बने, उससे ज़्यादा हॉस्टल 3 वर्ष में बना करके वर्तमान जम्मू कश्मीर प्रशासन उन बच्चों को जो अपने अधिकारों से वंचित थे, जिनका ये हक था, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आदिवासी समुदाय हमारे समाज के सभी वर्गों के विकास की धुरी, उसकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आज़ादी के अमृत कालखंड में आदिवासी परिवारों के भीतर कितनी समृद्धि आती है। सबका साथ सबका विकास के आह्वान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी समुदायों का और विशेष रूप से वे समुदाय जो पिछड़े रह गए, जो छूट गए, इनका इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे विकास हो, देश के हर एक क्षेत्र के लोग एक दूसरे के करीब कैसे आ सकें। आज आदिवासी समुदाय के 200 विद्यार्थी भारत को जानो कार्यक्रम के लिए आज हमारे बीच से ही रवाना होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे उत्कृष्ट उदाहरण आज़ादी के अमृत महोत्सव में और क्या हो सकता है। इस भावना के साथ ही ये बच्चे पूरे देश में भ्रमण करेंगे, देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है खुद अनुभव करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जब हर हफ्ते आदिवासी समुदाय के कल्याण के कार्यक्रम या उनके अचीवमेंट दिखाई पड़ते हैं, ये पिछले 2-3 वर्षों में एक नए प्रकार का वातावरण बना है। और मैं हमेशा यह मैंने अनुभव किया है कि प्रकृति के साथ करीब से जुड़े आदिवासी हमारे भाई बहन एक कमिटमेंट के साथ आवाम की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए सदैव तैयार है। और हमारी भी लगातार कोशिश है कि आपके पूर्वज को जिस मुसीबत से जीना पड़ा था, आपके पूर्वजों ने जिस मुसीबत को झेला था, वैसी मुसीबत आपको आपके बच्चों को न झेलनी पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही पुलवामा तथा कुलगांव में एक क्लब रेजिडेंशियल स्कूल, मॉडल ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल, गर्ल हॉस्टल, पावर सब स्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी तथा 6 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला था। 18 अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास दूसरे दिन किया था मैंने। आज हर महीने आदिवासी समुदाय के लिए किसी न किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास जरूर हो रहा है। ये बदल हुई है जिसका जिक्र अभी मेहता जी कर रहे थे। 1.5 साल पहले आदिवासी समुदाय के बहुत से डेलीगेशन 2 साल पहले मुझसे मिलते थे, प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिलते थे।
और अनेक लोग कहते थे साहब जीवन की मूल जरूरतों को पूरा करने में कई पीढ़ियां हमारी खप गई। आज भी मेजॉरिटी में ऐसे गांव हैं, परिवार हैं, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास न देखा था न मुख्य धारा से जुड़े थे। कई आदिवासी भाई ऐसे हैं जहां पीने का पानी भी नहीं था। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार आदिवासी समुदाय के 92 गांवों के लिए बिजली के सब स्टेशन बनाने का काम मात्र 6 महीने में पूरा किया गया है। आज़ादी के बाद से अभी तक मीलों चलकर ये भाई जाकर के पानी लाते थे। एक पुरानी कहावत है मित्रों कि अगर वक्त की नब्ज पकड़नी हो तो नई पीढ़ी की स्थिति पर ध्यान दिया जाए। आज़ादी के बाद एक लंबा कालखंड जिसमें आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी पर सम्यक और व्यापक दृष्टि डाली गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का दायरा 1.5 लाख स्टूडेंट तक कर दिया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 12,500 बच्चों का चयन किया गया था। अगर कुल धनराशि के आंकड़े देखेंगे तो 50,62,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप आज आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है, जो आपने अपने आप में मैं कहूँ रिकॉर्ड है। 2012 में जेई तहत 2013 में नीट की शुरुआत हुई थी, लेकिन आदिवासी समुदाय के होनहार बच्चे बच्चियों के लिए किसी भी कोचिंग का इंतजाम नहीं था। होस्ट 50 और टॉप 50 इनिशिएटिव के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पहली बार गवर्नमेंट इम्पैनल्ड इंस्टीट्यूट में कोचिंग की व्यवस्था की गई है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाते हैं उन्हें प्रतिवर्ष 70,000 से 75,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी देने का फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। अगर वह कोई छोटा मोटा ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, इसके माध्यम से आदिवासी समुदाय की युवा पीढ़ी को लाखों लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज 2 महत्वपूर्ण कोचिंग स्कीम भी आदिवासी समुदाय के भविष्य निर्माण के लिए लॉन्च की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि समुदाय की बच्चियों को अधिक से अधिक एम्पावर किया जाए। पिछले दिनों जब शाहिद इकबाल चौधरी मुझसे मिलने आए थे, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो भी कार्यक्रम हम चलाएं उसमें सुनिश्चित करें कि आधी जो आबादी है माने बच्चियों की संख्या भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि शाहिद इकबाल चौधरी और उनकी टीम ने इसका पूरी तरह ध्यान रखा है। टॉप 50 स्कीम में 20 बच्चियां सेलेक्ट की गई हैं और दूसरी में 100 में करीब 45। मुझे लगता है 5 जो छूट गई हैं शाहिद जी, इसको भी हमें पूरा करना चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी होगी। सालों तक हमारी आदिवासी बहनों ने कष्ट उठाया है, परिवार तथा आवाम को चलाने का काम किया है, और ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि नई पीढ़ी की बच्चियों को सभी प्रकार से सशक्त किया जाए। जितनी भी उनके लिए व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, जुटाने की आवश्यकता है, धन की जरूरत है, हम सब प्रतिबद्ध हैं, जरूर करेंगे ताकि हमारी बच्चियां आगे बढ़ सकें। आज स्टार्स 100 स्कीम का भी शुभारंभ हुआ है, जो सिविल सर्विसेज के आकांक्षी 100 आदिवासी युवाओं को क्वालिटी कोचिंग प्रदान करेगा। आदिवासी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो टैलेंटेड हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके ट्यूशन फीस, स्टडी मटेरियल की जिम्मेदारी और खर्च प्रशासन उठाएगा। UPSC हो, JKS हो, इनकी तैयारी के लिए बेहतर इंस्टीट्यूशंस का भी इंतज़ाम किया गया है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा से ही कोई समाज आगे बढ़ता है, और आदिवासी समाज भी मैं समझता हूँ कि जागरूक होगा और उनकी जागरूकता से ही विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। मित्रों, सालों से आदिवासी समुदाय अनेक व्यवसाय करता रहा है, युवाओं ने अनेक स्किल तो सीखे लेकिन फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट एक समस्या थी जिससे आदिवासी समाज की युवा शक्ति लंबे समय से जूझ रही थी। और अगर स्किल लेबर फोर्स को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास के फॉर्मल वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बहुत कम थी। आज अलग अलग व्यवसायों में
2000 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ है। ऐसे बहुत से युवा जिन्होंने इनफॉर्मल तरीके से किसी व्यवसाय से में पहले ट्रेनिंग दी है, उन्हें भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्टिफाई करने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्किल ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में दी जाएगी, ताकि नौजवान जम्मू या श्रीनगर की यात्रा न करनी पड़े, अपने जिले में ही उसे स्किल की ट्रेनिंग दी जा सके, इसका भी इंतजाम किया गया। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आदिवासी समुदाय की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है। इसके द्वारा 10,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स के अकाउंट में सीधे स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और हर एक स्टेज पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मैट्रिक एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 20 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक एक लैपटॉप तथा स्कॉलरशिप की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत इन विद्यार्थियों को चुना गया है, जिसमें से 14 बच्चियां हैं, 25 में 14 बच्चियां हैं। प्रशासन सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहा है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए इस संकल्प को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश कर रहा है। सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को आज 50,000 रुपये के लैपटॉप, 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी गई है। इसके अलावा जो 2 टॉप स्टूडेंट्स हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले, उन्हें 1,00,000 रुपये का कैश अवार्ड भी दिया गया है। आदिवासी समाज के मन में लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी थी कि उनके बच्चे शायद कभी टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया से न जुड़ पाए। इस ट्रेंड को ही रिवर्स करने का काम ट्राइबल डिपार्टमेंट ने किया है, और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन स्कीम, जिसमें 10वीं 12वीं तथा पीजी के 600-800 हॉस्टल स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट मुहैया कराया जाएगा, आपके सामने कुछ बच्चों को भी दिया गया है। सभी टैबलेट्स में कोर्स के मुताबिक प्री लोडेड स्टडी मटेरियल भी होगा, और ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद हम वापस मांगने जाएंगे, वो उन्हीं के पास रहेगा और अपने पास रख सकेंगे। और आने वाले समय में ये कार्यक्रम आदिवासी समुदाय में डिजिटल लिटरेसी के अभियान में भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछले वर्ष आदिवासी इलाकों के 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने के लिए 40 करोड़ की लागत से कार्यक्रम शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि 100 स्कूल पूरी तरह से स्मार्ट स्कूल बना दिए गए हैं। जो शेष 100 बचे हैं वो भी जल्दी परिवर्तित कर दिए जाएंगे, ताकि आदिवासी युवा के सपनों को पंख लग सके। उनको इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम्स के लिए स्पोर्ट्स किट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। स्मार्ट कार्ड के रूप में आदिवासी समुदाय के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सुविधा आज मुहैया कराई गई है। पिछले वर्ष माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे कराया गया था, अनेक स्तरों पर डेटा तैयार किया गया था, और परिवार के मुखिया की फ़ोटो, घर की फ़ोटो तथा अन्य डिटेल जांची गई थी। इसके अलावा हर घर जाकर GIS बेस्ड सर्वे भी किया गया, और उसके लिए एक स्पेशल ऐप और पोर्टल तैयार करके सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया गया, और चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड तैयार किए गए हैं। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से माइग्रेशन के दौरान आदिवासी परिवारों का ध्यान रखे, इसका इंतजाम किया गया है। पहले शिकायतें आती थी, अब मुझे लगता है कि आज जो काम हुआ है, निश्चित रूप से अब आपको असुविधा नहीं होगी, इसकी चिंता की गई है। अभी मेहता जी बता रहे थे, इस वर्ष माइग्रेशन के दौरान पहली बार हुआ कि एक बड़ी आबादी के आवागमन के लिए ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने 40 ट्रकों का इंतजाम किया। पहले माल मवेशी लेकर जाने में जहां आदिवासी परिवारों को 20 से 30 दिन लगते थे, वहीं इस वर्ष उन्हें 1-2 दिन में पहुंचा दिया गया। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पिछले वर्ष 41 एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की गई, जिसकी मदद से रिमोट तथा दुर्गम एरिया में रह रहे आदिवासी भाइयों बहनों को हम आज स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने में सफल हुए हैं। आदिवासी समुदाय की कला,
संस्कृति, परंपरा और भाषा को संरक्षित करने के लिए भी हमारा प्रशासन पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और मैं मानता हूं कि तभी विकास सर्वांगी होगा, सर्वस्पर्शी होगा। विकास समाज के सभी वर्ग को, सभी व्यक्ति को छूने वाला हो, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज जब समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले आदिवासी भाई बहनों के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है हमें, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जलन भी हो रही है। आप इस बात से परिचित, आपके हक, आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए ये प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध। और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक अवसरों पर जब भी किसी बैठक में जाने का अवसर मिला है तो जो पहला प्रश्न उनका होता है वो यही होता है कि क्या हुआ फॉरेस्ट साहित्य एक्ट का, कैसा चल रहा है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोशिश पिछले और 2-3 वर्षों में हम सब ने की है, और विशेष रूप से शाहिद इकबाल चौधरी ने जब से जिम्मा संभाला है, इनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस शिद्दत से, जिस संवेदनशीलता के साथ इन्होंने काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका उससे ज़्यादा काम 3-4 वर्षों में करके हम लोग आप सबको समर्थ बनाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। एक जिक्र किया भी मेहता जी ने, मित्रों आप सब जानते हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट यहाँ लागू है और अनेक सुविधाएं, अनेक सर्विसेज जम्मू कश्मीर की आवाम को इसके माध्यम से दी जाती हैं। पहले ये फिजिकल मोड में था, आज हम लोगों ने फैसला किया है कि अब ये फिजिकल मोड में नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि अब अगर कहीं सर्विसेज में दिक्कत है, जिस अधिकारी के पास रुकेगी तो उस पर पेनाल्टी भी हो सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो आज 5 अगस्त 2022 को ये जो फैसला हुआ, मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि आज से भ्रष्टाचार समाप्त होने की शुरुआत हो गई है और 5 अगस्त 2022 को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर दिवस मनाने का संकल्प लेते हैं और हर कोशिश हम करेंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें जो बहुत गहरी थी अब काफ़ी हद तक ठीक कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ की आवाम को हर प्रकार की सुविधा बिना किसी भ्रष्टाचार के मिले, वो संकल्प हम जरूर पूरा करेंगे। इतनी बात कहता हुआ दूर दूर से आए हुए अपने सभी भाइयों का, बच्चों का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जिंदगी ये तो नहीं तुझको संवारा ही न हो, जिंदगी ये तो नहीं तुझको संवारा ही न हो, कुछ न कुछ हमने तेरा कर्ज उतारा ही न हो, कुछ न कुछ हमने तेरा कर्ज उतारा ही न हो। कभी पलकों पे चमकती है जो अस्कों की लकीर, कभी पलकों पे चमकती है जो अस्कों की लकीर, सोचता हूँ तेरे आंचल का किनारा ही न हो, सोचता हूँ तेरे आंचल का किनारा ही न हो। जय हिंद, जय भारत।